आज हम लेने जा रहे हैं गुंदे, जिसको लसोड़ा भी कहते हैं। हमारा खेत में है झाड़, वहाँ से पिक करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा खेत, खेत में केरी, आम, देसी आम है ये। गुंदा हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, घुटनों के लिए। हमारे घुटने हैं, वो हमारे बोन है, उन्हें स्वस्थ रखता है। गुंदा जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का भरपूर स्रोत है। ये हमारे खेत, ये बेर है, ये साग है, नीम है, खेर है, ये है गुंदा। नीचे ना खा पा।
भी पानी है। कौन ढगलो करन था और माथा पर छेकली तो खेकरी पाड़ो ने चालो कहो એમ કપડા ઉપર કરીને ચોરી જાય છે ખેલો લાવ નહીં એક આ બાજુ પર જાતો છે મને બોકીડી કરી દઈ બોકીડી કરી દઈ લાલ કીડી તમે ખાવાનું છે સાચું રે આખા પેલા મારા પેક હોય ને ચેલી જવાનું આમાં પર બી રેખા છે હા
बुज्जर में पहले लाल कीड़ी लाल कीड़ी काका पर आई आने कह रही हूँ। गुंदा और आम की सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले गुंदा को बॉईल कर लेना है, सफाई करके बॉईल करने डालना है। गुंदे को निकाल लेंगे।
अभी इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। एक उबाल आने तक उबालना है गर्म पानी में, और फिर निकाल कर ठंडे पानी में निकाल लेना है, और इस तरह से बीज निकाल देना है। बीज आसानी से निकल जाएंगे इसके अंदर से दबाकर। दो टेबल स्पून दो चम्मच तेल डालेंगे, दो से तीन चम्मच क्वांटिटी के हिसाब से। अब इसमें दूंगा धनिया पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच डालेंगे, हल्दी नमक डालेंगे। आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का सीजन है तो गरम मसाला अवॉइड करते हैं। पानी गरम पानी डालना है ताकि जो कैरी है वो गल जाए, आप अच्छे से मसाले भी मिक्स हो जाए। सब्जी हो गई है, चावल की रोटी और नागली की रात।